तनवीर भाई, ये वर्ल्ड कप के हवाले से बता दें, श्रीलंका तो बच गया, शुरू में लग रहा था कि ऐसा ना श्रीलंका ही गड़बड़ हो जाए, लेकिन अब श्रीलंका और नामीबिया आउट हो गया है। अब कल है, प्रेडिक्शन तो लेंगे बाद में, लेकिन कल वेस्ट इंडीज और आयरलैंड है। श्रीलंका तो क्वालिफाई हो गया ना, भाई श्रीलंका बच गया, क्वालिफाई हो गया, नेदरलैंड भी क्वालिफाई कर गया, नामीबिया आउट, यूएई आउट। अब बताएं कि कल है वेस्ट इंडीज वर्सेज आयरलैंड, क्या लगता है वन साइडेड मैच हो जाएगा, वेस्ट इंडीज जीत जाएगा या वेस्ट इंडीज के लिए खतरा है अभी भी? वेस्ट इंडीज ने हमें मुश्किल में डाली हुई, हम कहते हैं वेस्ट इंडीज को जीतना चाहिए, क्योंकि वेस्ट इंडीज वर्सेस जिम्बाब्वे, आप तीनों का ख्याल है वेस्ट इंडीज हार जाएगा, वो जीत गया वो। अब कल क्या लग रहा है, प्रेडिक्शन दबा देंगे, वेस्ट इंडीज को जीतना चाहिए, आप कह रहे वेस्ट इंडीज क्वालिफाई कर जाएगा। दूसरा मैच जिम्बाब्वे स्कॉटलैंड का है, निकल जाएगा जिम्बाब्वे, यानी आगे बढ़ जाएगा जिम्बाब्वे। आप दोनों की भी यही ओपिनियन है कल के मैचेस के बारे में? चले प्रेडिक्शन आज का नहीं लेते ना, बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, क्योंकि वेस्ट इंडीज का होना बहुत जरूरी है, जीत जाएगा वेस्ट इंडीज कल का मैच में। जी हां, कल वेस्ट इंडीज ही, वेस्ट इंडीज आयरलैंड है ना कल, और उसके बाद जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे को भी आगे आना चाहिए, जिम्बाब्वे बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है, ये दो टीमें। हां भाई देखिए, वेस्ट इंडीज टीम को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, वो तो एक मैच वो जो भी जीते हैं एक मैच वो बड़ी मुश्किल से जीते हैं, अगर वो हजारी जोसेफ आउट ना करता तो शायद वो भी मैच हार जाता है जिम्बाब्वे से, तो उनको मेहनत करनी पड़ेगी। इतना आसान नहीं होगा, लेकिन बैटिंग में और कैप्टनसी में बड़ा, लेकिन फाइनल रिजल्ट क्या होगा, प्रेडिक्शन ले लेते हैं ना आज के। फाइनल मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज को जीतना चाहिए, और दूसरा मैच जिम्बाब्वे जीत जाएगा, जिम्बाब्वे को जीतना चाहिए, जैसे वो सिकंदर रजा खेल रहा, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग और बैटिंग कर रहा, एक वो करंट नजर आ रहा है जिम्बाब्वे टीम को ऊपर ले जाने वाला, वैसी परफॉर्मेंस प्रेडिक्शन। वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज को जीतना चाहिए और जिम्बाब्वे, मेरा ख्याल स्कॉटलैंड जीतेगी। अच्छा, ओके।